दोस्तों जेकर सारी जिंदगी शरीर को तंदुरुस्त रखना चाहते हो तो सानू की करना चाहिए है तो की नहीं करना चाहिए, आओ कुछ गल्लां तुहाडे नाल सांझियां करदे हाँ। दोस्तों इस शरीर को चलाउण वास्ते भोजन का सब तो वड्डा रोल हुंदा है। जेकर साडा आहार शरीर की पूर्ति वास्ते है तो साडा शरीर हमेशा ही तंदुरुस्त रहेगा, फिट रहेगा। तो जेकर असीं बेटाइमे बेहिसाब दे नाल मन की पूर्ति लिखा रहे हाँ तो सानू बहुत सारिया बीमारियों का सामना करना पैंदा है। सब तो पहली गल, सानू उन्ना ही खाना चाहिए है जिनी शरीर नू लोड़ होवे। कोशिश करो खाना जमीन ते बैठ के चौंकड़ी मार के खाधा जावे। खाना खाने तो बाद कदी भी कोई एक्सरसाइज कसरत नहीं करनी चाहिए, इस नाल साडे पेट नू बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है। खाना खाने तो बाद कदे भी सज्जे पासे नू नहीं लेटना, जेकर लेटना ही है पैना ही है आराम करना है तो खाना खाने तो बाद हमेशा ही खब्बे पासे नू पैना चाहिदा है। रात का खाना सौण तो 2 घंटे पहला खाना चाहिदा है। तो खाना खाने तो बाद थोड़ी जी सैर जरूर करनी चाहिदी है, इस नाल जो खाना है बहुत ही जल्दी हजम हुंदा है। हफ्ते विच एक बारी मल्टीग्रेन आटे की रोटी जरूर खानी चाहिदी है। सर्दियों के विच गाजर ते संतरे का जूस पियो अते गर्मियों के विच अनानास ते मसम्मी का जूस जरूर पीना चाहिदा है। जेकर तुहाडे छाती दे विच रेशा बलगम जमदी है तो तुहानू रात नू दुध नहीं पीना चाहिदा। जेकर शरीर दे विच कमजोरी महसूस हुंदी है तो दुध दे विच अखरोट पा के खाने चाहिदे हन। दिन दे विच लंबी सैर जरूर करनी चाहिदी है, इस नाल शरीर दे सारे दर्द कमजोरी अते डिप्रेशन तो छुटकारा मिलता है। डिप्रेशन नू दूर करने वास्ते असीं गुरुद्वारा जां मंदिर जा सकते हाँ जां घर दे विच ही बैठ के नाम सिमरन जां ध्यान कर सकते हाँ। शरीर दा वजन ना ज़्यादा होना चाहिए है ना घट होना चाहिए है, वजन उम्र के मुताबक ही होना चाहिए है। शरीर का भार घटाने लई रोज़ जवैन का पानी पीना चाहिए है, इस दे नाल पेट गैस भी ठीक होंदी है। शरीर का भार वधाउण वास्ते सोयाबीन की दाल दुध दे नाल लैनी चाहिदी है। हफ्ते विच एक बारी अपने शरीर की मालिश सरों के तेल दे नाल जरूर करो। दिमाग नू हल्का अते तंदुरुस्त रखने लई ज़्यादा नींद लैनी चाहिदी है। अपने शरीर नू प्योरीफाई करन लई दिन दे विच वध तो वध पानी पीना चाहिदा है। गर्मियां दे विच कदी भी बहुत ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पीना चाहिदा, इस नाल साडे गले अते पेट नू बहुत ही नुकसान हुंदा है। स्यालां दे विच हमेशा कोसा पानी ही पीना चाहिदा है। जे पेट विच गैस बनदी है तो सानू काली चाह अते देसी चाह 1 महीने वास्ते छड्ड देनी चाहिदी है। बुखार होण ते दवाई लैके सौ जाना चाहिदा है घट्टो घट 2 घंटे, इस नाल बुखार जल्दी उतरदा है। लूज़ मोशन होण ते सानू दिन दे विच एक वारी 1 केला खाना चाहिदा है, इस नाल सानू लूज़ मोशन दी प्रॉब्लम हट जांदी है। ते कब्ज होण ते सानू हल्दी दा पानी पीना चाहिदा है। धौण दा दर्द होण ते अपनी गर्दन नू अगे झुकाउण तों परहेज करो अते सिरहाणा ज़्यादा मोटा नहीं लैणा चाहिदा। सधारण खंघ होण ते देसी घिओ विच खंड पा के भुन के ठंडा करके उसनू चूसना चाहिदा है, इस नाल खंघ तो बहुत जल्दी आराम मिलता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि तुहानू अज दे एह नुक्ते वधिया लगे होणगे। जेकर तुहानू वीडियो वधिया लगे तो अगे अपने दोस्तों दे विच शेयर करना जिन्हां नू इन्हां नुक्तियां दी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है।